सो ये इम्यूनिटी पार्ट 4 का कंटिन्यूड पोर्शन है, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वीडियो बंद हो गया, फिर से बनाना ये पड़ रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आरबीसी हमारा बॉडी का सेल, ठीक है ना, तो इसका एक एपिटोप है एंड बैक्टीरिया उसका भी एक एपिटोप है, ये भी बैक्टीरिया का एक एपिटोप प्रेजेंट है उसके सेल सरफेस में, है ना। तो कोइंसिडेंटली बोले दोनों एपिटोप बोले सेम हो गया, कोइंसिडेंटली बोले दोनों एपिटोप का स्ट्रक्चर बोले सेम है। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी है हमारा आईजीजी, ठीक है, ये एंटीबॉडी आके इस इधर भी बाइंड करेगा और ये एंटीबॉडी आके इधर भी बाइंड करेगा। हाँ, अगर सप्रेसर टी सेल प्रॉपरली काम कर रहा है तब आईजीजी को यहां बाइंड करने से सप्रेसर टी सेल रोक लेगा, लेकिन अगर सप्रेसर टी सेल में कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो गया जिसके वजह से वो अपना जो केमिकल मैसेजेस है वो अगर प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाया, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस क्या होगा, आईजीजी इस बैक्टीरिया के एपिटोप में भी बाइंड होगा और आरबीसी के एपिटोप में भी बाइंड होगा। एंड एनके, ये एनके सेल, केटी सेल, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, इनको तो और कुछ नहीं पता, इनको एफसी रीजन से मतलब है, इनको एफसी रीजन मिलेगा, ये लोग बाइंड होगा, बाइंड होकर अपना काम कर देगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी, ये एनके, केटी, सीपी, इनके पास वो एबिलिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है, लेकिन सप्रेसर टी सेल हेल्पर को, मैक्रोफेज को, एंटीबॉडीज को डायरेक्ट करने का कैपेबिलिटी रखता है। और अगर कभी भी सप्रेसर टी सेल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो ये सिग्नलिंग का मैकेनिज्म हो जाएगा वीक, तब एंटीबॉडीज जो है वो खुद का सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्टिंक्शन करने का एबिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब खुद का सेल भी मर सकता है। तो यही है कि अगर आरबीसी का एग्जाम्पल मैंने दिया, वही लिखा है, इफ द ऑटो एंटीजेंस आर आरबीसी तो क्रोनिक एनीमिया होगा, इफ द ऑटो एंटीजेंस आर मसल सेल्स तो माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, अगर ऑटो एंटीजेंस हेपाटोसाइट है, दैट इज लिवर का सेल है, तो क्रोनिक हेपाटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब को डिस्ट्रॉय कर देगा हमारा बॉडी का खुद का इम्यूनिटी। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसमें क्या होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस का बीटा सेल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा जो इंसुलिन बनाता है, तो बचपन से इंसुलिन के लिए ये इंसान डिपेंडेंट रहेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जॉइंट्स है, जॉइंट्स में कुछ कार्टिलेज होता है जो थोड़ा कशन प्रोवाइड करता है इन द जॉइंट्स बिटवीन टू बोन्स, उस कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, सो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, पेन, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एडिसन्स डिजीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बनाता है मिनारेलो कॉर्टिकॉइड, दैट इज एल्डोस्टेरोन। तो एडिसन डिजीज में क्या हो जाता है, द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन फॉल्स, द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन फॉल्स, जिसके वजह से प्रेशर लो हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, अदर प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है ना। तो ये सब है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एलर्जी, ठीक है, एलर्जी क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम का सेकेंड पार्ट, दैट इज एलर्जी। तो एलर्जी को क्या बोला गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी, वेन एनी एलर्जन एंटर्स आवर बॉडी इट कॉजेज एन एग्जाजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट सच एज माइट्स, पोलन, डस्ट, फेदर, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट दिस एलर्जेंस आर आईजीई टाइप एकॉम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन ऑफ मसल। बोला ये गया है कि हमारे एनवायरमेंट में ऐसा बहुत सारा कुछ कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी में घुसने के वजह से वो हमारे बॉडी में जो हम लोगों ने बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा है वैसा खेल नहीं होगा, लेकिन वो सब पार्टिकल अगर हमारे बॉडी के अंदर घुसा या हमारा बॉडी उन पार्टिकल्स के एक्सपोजर में अगर आया, तो हमारे बॉडी का जिस भी एरिया एक्सपोज्ड होगा टू दोस पार्टिकुलर एलर्जेंस, वो जगह पे आईजीई बहुत ज्यादा आएगा, उस जगह पे मास्ट सेल को बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक डिफेक्ट है, इतना स्टिमुलेशन, इतना डिस्टर्ब फील नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये हमारा बॉडी का एक डिफेक्ट मैकेनिज्म है कि कुछ एलर्जेंस हमारे बॉडी में आने से, कुछ एंटीजन हमारे बॉडी में आने से हमारा बॉडी उस एंटीजन के साथ कन्वेंशनल मेथड के जैसा ट्रीट नहीं करता है, रादर हमारा बॉडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटोरी रेस्पॉन्सेस क्रिएट करता है बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर आईजीई टू अ सर्टेन प्लेस एंड बाय मेकिंग द मास्ट सेल टू रिलीज अ लॉट ऑफ हिस्टामाइन व्हिच विल कॉज टू मच ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड वेसो डायलेशन, दैट इज व्हाट एलर्जी इज, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया है सिम्टम्स, जनरली आजकल लोगों को कोल्ड एलर्जी, हीट एलर्जी, ये सब होता है, मुझे है थोड़ा सा कोल्ड एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है,
डास नाक में जाने से आई कीप ऑन स्नीजिंग, तो ये सब बोला गया, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, ये सब होता है जिनको डस्ट कोल्ड एलर्जी है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है ना। ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामाइन ड्रग, क्योंकि हिस्टामाइन के ओवर रिलीज के वजह से ही एलर्जी होता है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग, एड्रीनेलिन शॉट, स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये सब एलर्जिक सिम्टोम से रिलीफ करता है। एलर्जी का कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, बस जब जब एलर्जी का सिम्टोम्स आएगा तब उसको नॉर्मल करने का ही मेडिसिन है, एलर्जी को क्योर करने का कोई भी मेडिसिन नहीं है। अगर किसी को डस्ट एलर्जी है, यू विल हैव टू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द डस्ट पार्टिकल्स, यही एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब एलर्जी का कुछ कुछ टाइप्स है वो हम लोग देख लेते हैं एंड देन वी विल रैप अप। तो ये है, हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलर्जी डिस्कस कर रहे हैं एंड टाइप्स ऑफ एलर्जी में अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फोर टाइप्स। पहला है हे फीवर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एलर्जी है जिसमें स्वॉलन, रेडेंड, रनिंग आईज, नोज, ये सब होता है। जनरली ये सब डस्ट पार्टिकल झाड़ू मार रहे हो, डस्ट उड़ रहा है, वो घुस जाएगा तो उसके वजह से स्नीजिंग आएगा, ठीक है, आंख उक से पानी निकलेगा, नोज से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, नोज में इरिटेशन फील होगा, दीज आर कॉल्ड एज हे फीवर, एंटी हिस्टामाइन ड्रग लेने से ठीक हो जाएगा। एस्थमा, एस्थमा में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा एलर्जन है अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, तो मान लो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का ल्यूमेन है और इस ल्यूमेन में ऐसा करके सेल प्रेजेंट है, ठीक है, लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का ल्यूमेन हो गया। अब इसमें जो ये सेल्स है कुछ कुछ म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन का कोई कोई है, म्यूकस रिलीज करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी बैक्टीरिया को घुसने से, कुछ कुछ सिलिएटेड सेल्स है, तो ऐसा सेल्स प्रेजेंट है, तो कुछ कुछ एलर्जन घुसने से क्या हो जाएगा, ये सब जो सेल है, ये सब सेल अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दे विल स्वेल अप, मतलब ऐसा हो जाएगा, एक एक सेल ऐसा हो जाएगा, अगर इसके अंदर का सेल ऐसा हो जाए, ठीक है, स्वेल अप अगर होके ऐसा हो जाए तो जो ल्यूमेन का एरिया है जहां से एयर पास होता है वो नेरो हो जाएगा, और नेरो होने से क्या होता है, अस्थमा में जो लोगों को एस्थेमेटिक वो होता है, क्या बोलते हैं, शॉक एक आता है, एस्थेमेटिक शॉक, एस्थेमेटिक अटैक, उसमें क्या होता है, सांस लेने में मुश्किल होता है, ऐसा करके सांस खींचता है, क्यों, क्योंकि वो नेरो हो गया है, तो ट्यूब नेरो हो गया तो क्या हो रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो बॉडी जोर जोर से ऑक्सीजन खींचने का कोशिश कर रहा है, दैट इज एस्थेमेटिक अटैक। उसमें एक पंप है, ऐसा पंप मारने से ये जो ओवर इन्फ्लेमेशन हुआ है सेल्स का उसको नॉर्मल कर दिया जाता है, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू सराउंडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्पाज्म माने सडन इरिटेशन, ठीक है, कॉजिंग नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का ल्यूमेन को नैरो कर देगा, ड्यू टू द स्वेलिंग अप ऑफ द टिश्यूज कंप्रेसेस द ट्यूब्स कॉजिंग डिफिकल्टी टू ब्रीथ, दिस इज अस्थमा। एक्जिमा बोल के एक डिसऑर्डर है जो धूप उप में निकलने से, या किसी को है कि ठंडा पानी बॉडी में डाल दिया या गर्म पानी डाल दिया तो स्किन रेडिश हो जाता है, तो ये सब है, बहुत लोगों को एक्जिमा होता है और ये जनरली धूप में निकलने से ये प्रॉब्लम होता है कि धूप में निकला, धूप बॉडी में गिरा तो स्किन बिकम्स रेड फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ माइन्यूट ब्लिस्टर्स, माने छोटा 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 घमोरिया टाइप, या फिर वो जो बंगाली में हम लोग ठुसा बोलते हैं, ठुसा मतलब कोई गर्म चीज लगने से जो थोड़ा पानी जम जाता है, क्या बोलते हैं इसको, बॉयल, छोटा छोटा बॉयल के जैसा आ जाएगा, एक जगह पूरा रेड पैच के जैसा हो जाएगा, वहां पे छोटा 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 बॉयल्स के जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट इज एक्जिमा। तो दीज आर थ्री, मूविंग टू फोर, दैट इज एनाफाइलेटिक शॉक। सो दिस इज नंबर फोर, जिसको हम लोग क्या बोला रहे, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारे बॉडी में कुछ एंटीबायोटिक, जब हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम लोग को कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है। सो एंटीबायोटिक आर सम प्रोटीन्स जिनमें एबिलिटी है बैक्टीरिया को मार देने का, ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स आर जनरली सम प्रोटीन्स इंजेक्टेड इन आवर बॉडी और इट इज ऑरली इटन, ठीक है, इन दिस प्रोटीन्स विल कम इन टू आवर ब्लड एंड इट विल डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया वेर एवर दैट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, वेर एवर दैट बैक्टीरिया इज कॉजिंग इन्फेक्शन, वहां तक ये प्रोटीन जाएगा और जाके मार देगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रोटीन है एंटीबायोटिक, ये प्रोटीन भी तो नॉन सेल्फ प्रोटीन है, तो कुछ कुछ प्रोटीन है जिसको हमारा बॉडी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, सह लेता है, एंड देन देर आर सम प्रोटीन्स जिसको हमारा बॉडी नहीं सह पाता है, ठीक है ना। तब हमारा बॉडी क्या करेगा, उन प्रोटीन्स का हमारे बॉडी में आने से हमारा बॉडी कुछ एलर्जिक रिएक्शन
शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी को अंडा खाने से एलर्जी है, किसी किसी को ब्रिंजल खाने से एलर्जी है। दैट मीन्स ब्रिंजल एंड अंडा में ऐसा कुछ प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स अगर हम लोग खा लिया और वो अगर हमारे बॉडी में आ गया तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमारा बॉडी उसके प्रति क्या करेगा, एलर्जिक सिम्टम शो करेगा। किसी को स्नीजिंग होता है, किसी को खुजली होता है, ये सब होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ऐसा है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या बोला गया है, हम लोग जब भी कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेते हैं तो क्या किया जाता है, पहले छोटा सा डोज हमारे बॉडी के अंदर स्किन के नीचे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। इंजेक्ट किया जाने के बाद थोड़ा टाइम वो चेक करता है, तुमको पूछता है, तुमको सर उर चकरा रहा है क्या, आर यू फीलिंग डिजी, या यहाँ पे जो ये इंजेक्शन किया है ये नॉर्मल, धीरे 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 ये नॉर्मली सेटल हो जाता है, या यहाँ पे और बड़ा होके फूल जाता है। अगर बड़ा होके फूल जाता है दैट मीन्स तुम्हारा बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब तुमको इसको ह्यूज डोज में तुम्हारे बॉडी में नहीं डाला जा सकता या यूज नहीं किया जा सकता, तो फिर एक दूसरा एंटीबायोटिक के बारे में सोचा जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या बोला जा रहा है, इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड ऑकर्स इन फ्यू मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन सच एज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इट्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉज मास सेल्स टू रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन। किसी किसी का बॉडी पेनिसिलिन को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, तो अगर ब्लड में पेनिसिलिन को डाल दिया जाए तो ये पेनिसिलिन पूरा बॉडी में फैल जाएगा, एंड इसका प्रेजेंस मास सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज अ लॉट एंड लॉट ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन कॉजेज व्हाट, वैसोडाइलेशन। हिस्टामाइन क्या करेगा, हमारा बॉडी का जितना भी ब्लड सेल्स, जितना भी ब्लड वेसल है, अगर किसी का ब्लड वेसल इतना बड़ा है, इस ब्लड वेसल को हिस्टामाइन क्या करेगा, इतना बड़ा बड़ा बना देगा, स्ट्रेच कर देगा। तो जब ब्लड वेसल स्ट्रेच होगा, उस ब्लड वेसल का जो पोर है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें बोले पोर है इतना बड़ा, ठीक है, दिखाई ही नहीं देता है, इतना बड़ा पोर है इसमें, इस ब्लड नॉर्मल ब्लड वेसल में। और जब ये डायलेट होगा यही पोर इतना बड़ा हो जाएगा। तो जब जब यहां से क्या होगा, जब जब यहां से ब्लड जाएगा, इससे भी जब ब्लड जाएगा, ठीक है, ये पकड़ लो, ये है एक नॉर्मल ब्लड वेसल और ये है एक हाइपर डायलेटेड ब्लड वेसल, ठीक है। तो जब इसके थ्रू ब्लड जाएगा यहां से क्या होगा, कुछ कुछ टिश्यू फ्लूड निकल के आएगा जो बाद में लिंफ बनेगा, ठीक है। तो ये जो टिश्यू फ्लूड का अमाउंट यहां पे निकल के आएगा वो इतना होगा, लेकिन अब जब ब्लड इधर से जाएगा तो यहां से जो टिश्यू फ्लूड निकलेगा उसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पोर बहुत बड़ा हो गया ड्यू टू वैसोडाइलेशन। तो क्या हो सकता है, अगर पेनिसिलिन को बिना चेक किए अगर ब्लड में डाल दिया जाए तो मसल्स के कांटेक्ट में जैसे ही ये पेनिसिलिन आएगा, मसल को स्टिमुलेट करेगा, पूरा का पूरा बॉडी में ह्यूज अमाउंट में हिस्टामाइन रिलीज होगा। वो हिस्टामाइन पूरे बॉडी का ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसके थ्रू बहुत ज्यादा क्या होगा, प्लाज्मा या यू कैन से टिश्यू फ्लूड उस ब्लड से निकल के आ जाएगा। तो जैसे उस ब्लड से टिश्यू फ्लूड निकल के आ जाएगा, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, सडनली ड्रॉप करेगा कि नहीं, बिकॉज मैंने बोला है क्लोज सिस्टम में द ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू द ब्लड वॉल्यूम इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन इन अ क्लोज सिस्टम जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन केस ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम, इन केस ऑफ ओपन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ब्लड से अचानक अगर बहुत सारा वाटर निकल के आ जाए तो ब्लड का प्रेशर अचानक, ब्लड का वॉल्यूम अचानक कम हो जाएगा, अचानक प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर अचानक अगर डाउन हो जाए तो लोगों को क्या होता है, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में लोगों को क्या होता है, ये होता है कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको, अटैक्स आता है, स्ट्रोक करता है लोग बहुत सारा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर अगर कम हो जाएगा, वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, बॉडी में फ्लो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा ऑर्गेन को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ऑर्गेन काम करना बंद कर देगा, इसी को तो हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा जाएगा, व्हिच डायलेट्स द आर्टरी सो दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज पास्ड फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज, ठीक है ना, causing a drastic fall in blood pressure, the affected person may become unconscious, brain में अगर proper amount of blood जाके नहीं पहुंचता है, क्योंकि रास्ते में वो बहुत ज्यादा tissue fluid देके आ गया है, तो brain काम करना बंद कर देगा, unconscious, the individual may also die during short time, क्योंकि low blood pressure में कभी कभी organ failure भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का आज का discussion, दो वीडियो बनाना पड़ा, उपाय नहीं है, एंड एक अटैचमेंट मैं दूंगा, उस अटैचमेंट को भी लिखना है, ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोल के एक अटैचमेंट दूंगा, उसको भी लिखना है। यहाँ पे इम्यूनिटी खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्स या कैंसर, इन दोनों में से कुछ एक स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।